तो दोस्तों वेलकम टू एस टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो पावर 5 प्रो 5G के बारे में। जी हाँ, उस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं और इसमें कौन कौन सी कौन से जो आपके डेली लाइफ में आपको परेशान कर सकती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सारी बताने वाला हूँ। मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, अनबॉक्सिंग वगैरह देख ली है, फीचर्स भी देख ली हैं, पर मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें आपको इसकी प्रॉब्लम्स या कौन से बताई गई हों। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी कौन सा प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो में फीचर्स वगैरह देख लिए, तो वो बताकर मैं आपका टाइम खराब नहीं करने वाला। आपको अगर इसके फीचर्स और प्राइस वगैरह देखने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने में मिल जाएगी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गोरिल्ला ग्लास देखने को नहीं मिलता है, इसका कारण इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आपके हाथ से ये स्मार्टफोन अगर गिरनेगा तो ये टूटने का पूरा चांस रहेगा, और ये 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में आया हुआ स्मार्टफोन है, तो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कम से कम गोरिल्ला ग्लास 3 तो आपको मिलना ही चाहिए था। तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, और मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी कमी में से एक है। और इस स्मार्टफोन की अगली जो प्रॉब्लम मुझे लगी है वो लगी है इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। जी हाँ, इसके सॉफ्टवेयर जो हाई ओएस दिया गया है उसमें बहुत सारा ब्लॉटवेयर देखने में मिल जाते हैं आपको, जिसके कारण आपको आलतू फालतू नोटिफिकेशन आती रहेंगे और जिसके कारण आप इरिटेट हो जाएंगे। और चलो वो तो कोई बात नहीं, 15,000 रुपये का प्राइस रेंज में आया हुआ स्मार्टफोन है तो आप झेल लेते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी सिक्योरिटी अपडेट से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल तक मिलेगा इसकी कंपनी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। हो सकता है आपको एंड्रॉयड 13 के ऊपर मिल रहा है और एंड्रॉयड 13 या इसमें रह जाए, और हो सकता है 14 भी मिल जाए, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही ऑफिशियली कंपनी ने इस बारे में कोई बात कही है। तो आप ये फ़ोन लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी गारंटी नहीं है कि कब तक कितने सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इस स्मार्टफोन की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके कैमरा से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देते हैं आपको प्राइस के हिसाब से। डे लाइट में आपको निराश नहीं करने वाले कैमरा। तो इसमें जो कैमरा की कमी मुझे लगी वो लगी इसके अल्ट्रा वाइड सेंसर से रिलेटेड। जी हाँ, इसमें अल्ट्रा वाइड का कोई सेंसर नहीं दिया गया है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में एक बड़ी कमी मानता हूँ मैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड सेंसर ज़्यादातर मोबाइल से आपको मिल जाता था पहले, अब तो लगभग कोई कंपनी नहीं दे रही है, तो मैं इसको एक कमी मानता हूँ कि इस प्राइस रेंज में भी आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं देखने को मिल रहा है। और इस स्मार्टफोन की अगली कमी मुझे लगी है वो लगी इसकी नॉइस कैंसिलेशन माइक से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक डेली यूज़ का फीचर है, जो इस स्मार्टफोन में क्या 10,000 रुपये के स्मार्टफोन में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन को, बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। तो मेरे हिसाब से नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक तो ज़रूर होना चाहिए स्मार्टफोन में, जो कि इसमें मिसिंग है। और बात करें अगली प्रॉब्लम की, तो जो मुझे लगी है इस स्मार्टफोन में वो लगी इसके ब्राइटनेस से रिलेटेड। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले वैसे तो काफ़ी सही दी गई है, प्राइस के हिसाब से IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको, जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम है इसकी पीक ब्राइटनेस। जी हाँ, इसमें सिर्फ 500 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो मेरे हिसाब से कम है। आप अगर धूप वगैरह में इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, इसमें कम से कम 700-800 nits की ब्राइटनेस होती है, ज़्यादा सही रहता। तो मैं इसकी ये भी एक कमी मानता हूँ कि इसकी पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम दी गई है। और बात करें अगली कौन की जो मुझे लगी है, वो इसके स्मार्टफोन्स में नहीं लगी, वो इसकी कंपनी में मुझे लगी है। जी हाँ, एक नई स्मार्टफोन कंपनी है, और आप 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप ऐसा स्मार्टफोन जरूर लीजिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस सही देखने को मिले। और इस स्मार्टफोन की आफ्टर सेल सर्विस कैसी रहेगी किसी को नहीं पता, क्योंकि एक नई स्मार्टफोन कंपनी है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई हैं और मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जो बिल्कुल जा सकते हैं। ये 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में आने वाला काफ़ी सही स्मार्टफोन लगा है मुझे, अगर इन प्रॉब्लम्स को आप हटा दें तो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एस टेक चैनल।